हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। तो गाइज, इस शो के एक इम्पॉर्टेंट कास्ट मेंबर अब इस शो का हिस्सा नहीं रहे हैं, उन्होंने कर दिया है इस शो को क्विट। तो आइए जान ले वो कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसने किया है एग्जिट। तो गाइज, मिताली नग जो कि शो में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी, नील भट्ट यानी कि विराट की सिस्टर का रोल वो प्ले किया करती थी, देवयानी देशपांडे उनके कैरेक्टर का नाम था, अब आपको इस सीरियल में नज़र नहीं आएंगी। उन्होंने कर दिया है शो को क्विट और अब आपको अपकमिंग एपिसोड्स में रिप्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए जो रिप्लेसमेंट है वो फाइंड नहीं करी है मेकर्स ने। एनीवेज, अब हम रीज़न की बात करें क्यों उन्होंने क्विट करा इस शो को, तो रीज़न ये है, अभी रिसेंटली जो 9 साल का लीप लिया गया है सीरियल में उसके बारे में उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उन्हें ये लीप के बारे में तभी पता चला जब सारे व्यूअर्स को पता चला, यानी कि जब स्टार प्लस ने प्रोमो रिलीज़ किया इस शो का, इस लीप का, और उन्होंने उनके ऑफिशियल हैंडल पे जब प्रोमो देखा उसके बाद उन्हें पता चला कि शो में लीप लिया जा रहा है। और यही नहीं, वैसे भी वो अपने ट्रैक के साथ खुश नहीं थी जैसा कि चल रहा था काफ़ी देर से, और ऊपर से ये लीप आ गया और जिसके बारे में मेकर्स ने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो ये चीज़ के कारण उनका डिसीज़न जो है वो फाइनल हो गया कि उन्होंने इस शो को करना है क्विट। वैसे आपको बता दूं कि कुछ देर पहले भी उन्होंने शो को क्विट करने का डिसीज़न लिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया था, लेकिन इस बार फाइनल है, उन्होंने शो को कर दिया है क्विट। बिकॉज़ रीजंस आपको जो मेन है बता ही दिए हैं, अपने करेक्टर वगैरह के साथ जिस तरह से स्टोरी जा रही थी, आगे प्रोग्रेस हो रही थी, उस सब के साथ भी वो खुश नहीं थी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, कमेंट से बताइए क्या आप उनको मिस करेंगे शो में या फिर नहीं, और आप इस लीप के साथ खुश हैं या फिर नहीं, ये भी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। गुम है किसी के प्यार में और स्टार प्लस की सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।